पलवल की हतीन पुलिस ने मिंडकोला निवासी राहुल हत्या के मामले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 1 मई 2024 को गिरफ्तार तीन आरोपियों में से एक को पहले ही क्राइम ब्रांच हतीन की टीम ने मुठभेड़ के दौरान वारदात में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। जांच एवं आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतक एवं आरोपी एक साथ बैठकर टीएमपी एक्सप्रेसवे के नजदीक खाने पीने के लिए गए थे। वारदात में शामिल एक आरोपी के बुआ के लड़के के साथ मृतक की करीब एक महीने पहले कहा सुनी हो गई थी। उसी रंजिश को रखते हुए आरोपियों ने राहुल के सिर में पिस्टल के कई बट मारे तथा लात घूंसे मारकर एक गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। बाद में लाश को मोटरसाइकिल पर ले जाकर चौहड़ में फेंक कर फरार हो गए थे। जांच में छह नामचात आरोपियों के नाम सामने आए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। मामले में फरार आरोपियों की जल्द हतीन पुलिस गिरफ्तार करेगी। आप देख रहे हैं हतीन ब्यूरो रिपोर्ट। 24 को शिवचंद मिंडकोला निवासी है, उनके द्वारा खुनसुखी की रपट राहुल के बारे में दिखाई गई है और जिसकी खोजबीन पे पुलिस के द्वारा राहुल का शव 20 तारीख को बरामद किया गया और डॉक्टर अंशुल शुक्ला एसपी जो अलवर एसपी हैं इस समय उनके कुछ निर्देशों में विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते हुए जो नामजद दोषी थे जिनमें से एक को पुलिस मुठभेड़ के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उससे एक पिस्टल रिकवर की गई और उसी के आधार पर दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया जो अब तक इस मामले में टोटल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा जो पुलिस हिरासत में है, जिनको पुलिस रिमांड के लिए लिया जाएगा। सर, क्या इन कारणों का खुलासा हो पाया कि हत्या किस वजह से की गई थी? ये आपसे उठने बैठने वाले थे क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसका खुलासा हम आपको भविष्य में आगे करेंगे क्योंकि इसमें और भी आरोपियों को पकड़ना जाना बताया है और इस इन्वेस्टिगेशन की बातें उस वक्त आपको जब वो पकड़े जाएंगे तो उसका पूरा खुलासा पूरी कर दिया जाएगा।